रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवीना, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं, उसमें आपके साथ कोई हो या ना हो, हम आपके साथ हैं। तुम मुझसे शादी कर रहे हो राहुल? सोच लो, शादी के बाद क्या पता हमारे पास बड़ा घर ना हो। हम देख लेंगे। तुम भी उसे यहाँ नहीं चाहती ना? क्या? अरे damn it, मेरा मतलब कि यहाँ इस घर में no. अगर तुम्हारी बहन के साथ शादी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। You don't want that, right? No, I don't care about Rahul. Good. बदला ले रहे हो ना मुझसे? ईशा, क्यों कर रहे हो? Stop. क्या करने की? Get out, देव। और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, फोन भी मत करना। और अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ी तो just leave. या मैं ही हूँ साक्षी। इतना मेकअप थोपा जा रहा है कि कुछ देर में आप तो क्या, मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगी। सो मच हैज चेंज्ड। 2003 खत्म होके 2004 स्टार्ट होने वाला है। 4 साल बीत गए हैं। थोड़ा हाइट, थोड़ा वेट और थोड़ा थोड़ा चेहरा भी बदल गया। आई एम 18 नाउ। ऑकवर्ड टीन से बाहर, बट अब भी टीनेजर एंड स्टिल इज ऑकवर्ड। आज एक बहुत स्पेशल डे था, नॉट बिकॉज मैं 18 की हो रही हूँ, नॉट इवन बिकॉज मेरे लिए डेब्यूटान बॉल रखा गया, एंड नो इसलिए भी नहीं कि ईशा की यंग बडिंग सिस्टर शहर के बिगेस्ट बिजनेस को ज्वाइन कर रही है, बट इसलिए क्योंकि आज अपने 18th बर्थडे पर मैंने डिसाइड किया था कि इस स्टोरी के सूत्रधार बने रहने की जगह आई विल प्ले अ पार्ट इन इट एंड टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। डिड यू ग्रैड? ओह माय माय, लुक एट यू। योर सिस्टर शी नोज हाउ टू टर्न एन अग्ली डकलिंग इनटू अ ब्यूटीफुल फॉर्म। देयर यू आर टेलिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक इज दिस? लेटेस्ट, यंग एंड हैपनिंग। You're too old for this shit, aren't you? My baby has become big. You must get a gift. Tell me, what do you want? World tour, Tiffany diamonds, or what do you want? Just tell me. Delivery mein bahut time lagta hai. Yeah, yeah, honey, hurry up. Jaldi jaldi bata. Delivery mein waqai bahut time lagta hai. Kyunki hum 4 saal se intezar kar rahe hain, lekin hame jo chahiye wo abhi tak deliver nahi hua. Ignore her. Listen to me. मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू मेरे स्पेशल गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करे। नो नॉनसेंस ईशा। स्पेशल गेस्ट? बॉयफ्रेंड? तू कब से इतनी बड़ी हो गई? मेरा सरप्राइज मत खराब कर। ओके फाइन, आई एम श्योर अच्छा ही होगा। मेरी बहन है, अच्छा टेस्ट होगा तेरा। उजी, यू विल नो सून। डेटिंग तक ठीक है, बट शादी? सॉरी, एग्जैक्टली कुछ सालों बाद यही फील करोगी। So right now, just have some fun. And you, before you get busy with media and your guests, I need a minute with you. Okay. मेरा सरप्राइज गेस्ट कोई स्ट्रेंजर नहीं था। 4 साल हो गए थे एंड दोनों में एक बार भी बात तक नहीं हुई थी, कभी नहीं मिले थे। सो ऑन माई 18th बर्थडे आई डिसाइडेड कि मैं एक ग्रोन अप अडल्ट लाइक स्टेप लूंगी। ना ईशा को पता था, ना देवीना दी जानती थी, एंड यहीं से स्टार्ट हुआ हम तीनों की कहानी का नया मोड़। Just look at you, so beautiful. तू सेम मम्मा जैसी लग रही, पता है? So gorgeous. Please, don't lie. I can never be her. But आप, you're looking so good. बिल्कुल पहले जैसे। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले थी। मैं क्या बदलूंगी? ईशा कहाँ है? पता है, मैं उसे सिर्फ टीवी और मैगजीन्स में देखती हूँ। इतनी खूबसूरत लग रही पहले से भी ज्यादा। है कहाँ? 4 साल हो गए यार तुम लोगों को देखे, कहाँ पर है वो? वो थी एक्चुअली, बात यह कि ईशा, ईशा नहीं जानती कि मैं यहाँ पर आई हूँ, यानी कि विक्रम जी को भी नहीं। तू पागल है साक्षी? राहुल अभी आता ही होगा। दी प्लीज साक्षी छोड़ मुझे। बड़े होने का फायदा क्या अगर तुझमें कोई मैच्योरिटी नहीं है तो?
मुझे पता भी तूने क्या किया, तुझे कोई आइडिया है? देव, इनवाइट किया है, मुझे बताया भी नहीं। नो विक्रम, मुझे तो मालूम भी नहीं था। साक्षी इनवाइटेड देम। तुमसे पूछे बगैर? You really want me to believe that? विक्रम, आप मेरा रोज फोन चेक करते, बैंक स्टेटमेंट्स देखते, कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, आपके ड्राइवर्स आपको अपडेट करते। You think आपको बिना बताए मैं कुछ कर सकती हूँ? Even if I want to? देवीना से मैंने 4 साल में एक बार भी बात नहीं किया। और राहुल से? अगर अपनी बहन से बात नहीं की तो राहुल से क्यों करूंगी? You know, I love you, right? Okay, the reporters are waiting for you. They want bites. Go. कितने सालों के बाद? एक है खुशा, हाँ? बोल, क्या पिएगा? Your choice. Ah, thank God you said that. क्योंकि तेरे current status की सस्ती लेकर तो मेरे गले से भी नीचे नहीं उतरती। So, क्या चल रहा है आजकल? वो सब छोड़िए। You know what? I really miss you. Sir, your drink? Single malt. Make that too, on the rocks. Not your usual, sir. Single malt तो अपने सालों में नहीं पिया। आपने हमारी ड्रिंक भी छोड़ दी। याद दिलाती है तेरी। कैसी है तू? ओ वाओ, 4 साल बाद तुझे मेरी याद आई। वो भी बिकॉज साक्षी ने इनवाइट किया। सॉरी, तू तो मुझे रोज कॉल करती थी ना। मैं छोटी हूँ, पहले छोटा माफी मांगता है तब जाकर बड़ा माफ करता है। अब प्लीज इस पर कोई बहस मत करना। तू बिल्कुल नहीं बदली ईशा। ऑब्वियसली बेस्ट को बेटर नहीं कर सकते, राइट? ऑलराइट, सो द कपूर सिस्टर्स आर टुगेदर। एक्सक्यूज मी वन सेकंड। यप, हियर यू गो। थैंक्स। For you? No. Oh, okay. Well, let's raise a toast to us, Rahul. Yeah? Come on, Devina. You're so lucky. I mean, Rahul is just the right catch. हाँ वो थोड़ा सा well settled होता, property, पैसा and all, you know. He'd be just the perfect one. You know what, Nishi? प्यार है तो सब कुछ है. I'm very happy. वैसे भी सिर्फ पैसों के सहारे कोई खुश नहीं रह सकता। तो मेरे बारे में बात कर रही हो? मैं ये कहना चाह रही थी कि हर खुशी पैसे से नहीं बिकती। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं मेरे जैसे जो पैसों के बिना रह सकते लेकिन प्यार के बिना नहीं। Fair enough. Fortunately, मेरे पास पैसा है, प्यार है, सब कुछ है। I can buy anything in this world. Apart from kid. Hello, आंटी। Girls reproduction की machines नहीं होती हैं। इसकी तो आदत है बीच में बोलने की। Anyways, what was I saying? विक्रम, he loves kids. अगर मेरी चलती तो लड़की का टेस्ट करवा के ही शादी करवाती। To someone like you, you know. Look at you. तुम्हारी शादी को 4 साल ही हुए हैं। But you have 2 kids. How lucky. And my poor brother. दो बार शादी करके पछता रहा है। Excuse me. You know what?
वो गलत नहीं कह रही थी, सर्टेन एज में बच्चे कर लेने चाहिए। क्यों? हस्बैंड को फंसा के रखने के लिए? You know what, babe? जिन हस्बैंड्स के ना हम जैसी सेक्सी वाइफ्स होती है, they are a bit insecure. तो उनका दिल रखने के लिए कर लेना चाहिए। शादी चलाने के 101 ट्रिक्स, babes. चलाने के नहीं, बचाने के। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। बट निशी, ये ट्रिक्स यूज करने के लिए कोई लड़का भी तो होना चाहिए। कोई है तुम्हारी नजर में यंग हैंडसम डैशिंग बैचलर जो मुझे इंप्रेस कर सके? मिस साक्षी कपूर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्यार जिंदगी में कब और कैसे आ जाता है पता ही नहीं चलता। उस दिन गौरव को पहली बार देखकर मुझे प्यार का पहला एहसास हुआ। मे बी इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। और मुझे भी ये होप मिली दैट देवीना दी एंड राहुल जैसा प्यार मेरी लाइफ में भी कदम रख चुका है। Isn't it trying too much? Too impressive. So that's good, na? No. Look at him. देखो उसको गौर से। He's a fucking average middle class banker. ये जहाँ कहीं नहीं पहुँच रहा है। ये विक्रम को यूज कर करके बटर लगा लगा के फालतू में। अच्छा अभी तुम ओवररिएक्ट मत करो। My rights to say it's democratic country. Okay, यहाँ से चलते हैं। Come. You know what? They look nice. कौन? गौरव? पर वो तो नौकर है, right? मुझे नौकरों से कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ राहुल से थी। और तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। Yeah, of course. You hated him, I loved you, and therefore I came to hate him too. But हमेशा के लिए? Are you okay? I'm so sorry, ma'am. First day? ये इतना obvious है। Well, जो समझ सके उसके लिए obvious है। पता है, मैं भी तुम्हारी जगह पर थी, बहुत साल पहले। Good luck. Thank you, ma'am. Wow, आप ही restaurant business में थी? Business? No, Baba. I was a waitress. Wow, like seriously? आपकी humility. In fact, आपकी और राहुल सर की. You guys are such down to earth people. Thank you. हाँ, but it's very unfortunate. इतना सब कुछ होने के बावजूद he is left with nothing. कोई काम नहीं. I know it must be really, really difficult to manage, right? It's not as bad as I don't know. I... क्या मतलब? I mean, sir, एक time का star जब फिर zero हो जाए और almost रास्ते पर आ जाए तो नहीं नहीं वो क्या है ना जब अपना काम आता हो ना और काम पे फोकस हो तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, राइट? लेकिन हाँ, अगर सामने वाला कंपटीटर अपने काम के अलावा दूसरों के काम में करता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप क्या कह रहे हैं सर? आई जस्ट मेंट टू से यहाँ से निकाले जाने के बाद आपको किसी ने जॉब नहीं दी होंगी, पैसे नहीं होंगे। जिस राहुल नंदा की एक टाइम पर इज्जत हुआ करती थी आज कोई उसे वैल्यू नहीं करता। No money, no job, and no respect. अबे वो बकवास बंद कर। नहीं क्या है? हाँ? स्माइल मार के मेरी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट्स देकर तुझे लगता है हम इंप्रेस हो जाएंगे? बस करो प्लीज, सब देख रहे राहुल। एक सेकंड, इन्हें क्या करता है? अपने ही क्लाइंट्स को अपना ही मार्जिन कम करके खुद लॉस में जाके मेरी डील्स खराब करता, राइट? नो सर, व्हाट आर यू सेइंग? पर आपकी हालत देखकर so much struggle, lavish lifestyle से निकलने के बाद basic expenses afford कर पाना difficult होगा ना? But don't worry sir, I still respect you. Respect को ना अपनी जेब में डाल। पिछले चार साल से, एक सेकंड, चार साल से कॉल कर रहा हूँ तेरे को। क्या कहते हैं? कॉल उठाया? क्या हो रहा है?
राहुल तुम अपना ये राउडी सड़क छाप बिहेवियर। आप सड़क छाप किसे बुला रहे हैं विक्रम जी? I'll just leave. No, you're not going anywhere. Just stay right there. What's wrong with you guys? Why are you creating a scene, Rahul? गौरव कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब तुम कुछ भी कहते रहोगे। राहुल के चिल्लाने से गौरव सही नहीं हो जाता। गौरव को जो बकवास करनी थी ना, वो कर चुका है, जो तुम में से किसी ने भी नहीं सुनी। राहुल का इस तरीके से रिएक्ट करना बिल्कुल सही है। I don't care. I don't care कि किसने किसको क्या कहा, क्या हुआ। All I know is कि आज मैं बहुत खुश थी। मैं महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। But thanks to you all. आप सब ने मिलकर ruined everything for me. Sakshi. गौरव तुमसे आगे निकल गया। That's why you hate him, right? पर आ ही रहे थे तो एक दिन के लिए अपनी जेलेसी हेट्रेड छोड़ के आते, जस्ट फॉर वन डे। और हम सब के लिए नहीं तो कम से कम साक्षी की इमोशंस की कदर तो कर ही सकते थे, राइट? इमोशंस की कदर की ना, इसीलिए हम यहाँ पर आए। वरना जिस घर में राहुल की इतनी इंसल्ट हुई हो, इतना कुछ सुनाया गया हो, उस घर में तो हम कदम भी नहीं रखते। आज आए लेकिन आज के बाद वापस कभी नहीं आएंगे। कभी वैसा नहीं होता जैसे प्लान किया होता। कितना सोचा था मैंने, पूरी फैमिली आएगी, सब मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और एक पल था, वी वर देयर। एक सेकंड का ही वो लगता है, एक सेकंड लगता है पुराने जख्म को रेंधने में, और वापस सब वैसा ही हो जाता है।